गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में भी अपना टॉपिक क्या है? वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर अपन मैनेज करते हैं वेस्ट को, और जो वेस्ट अपने पास जो आता है उसको अपने को क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? उसको डिकम्पोज कैसे करना है, यानी कि उसको इसका निस्तारण कैसे करना है, यानी कि जो कचरा अपने पास आया है उसका निस्तारण कैसे करना है। तो इसके लिए क्या है, दो प्रोसेस हैं। एक कौन सी प्रोसेस है? इंसिनरेशन, और एक है नॉन इंसिनरेशन। यानी कि जो अपने पास जो वेस्ट है उसको निस्तारण करने के लिए अपने पास कौन सी प्रोसेस है? सबसे पहली प्रोसेस है इंसिनरेशन, एंड देन आफ्टर प्रोसेस है वो क्या है, अपनी नॉन इंसिनरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो एक बार अपन प्रीवियस जो अपने लेक्चर हुए थे उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्या होता है ये। तो बायोमेडिकल की अगर अपन बात करें तो बायो का मतलब क्या है? जैविक। ठीक है, और मेडिकल का मतलब क्या है? हॉस्पिटल से रिलेटेड। ठीक है, और मैनेज वेस्ट का मतलब क्या है? कचरा। और मैनेजमेंट का मतलब क्या है? उसको मैनेज करना। तो यानी कि हॉस्पिटल से जितना भी कचरा जनरेट होता है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वेटनरी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इनसे जितना भी कचरा निकलता है वो सारा का सारा क्या होता है, अपना बायोमेडिकल वेस्ट होता है। ठीक है, तो मेडिकल केयर के अंदर क्या है? मेडिकल केयर क्या है? एक वाइटल वाइटल इन ओवर लाइफ एंड हेल्थ। यानी कि मेडिकल केयर क्या है? एक वाइटल पार्ट है किसका? अपनी लाइफ का और अपनी हेल्थ का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर अपन बात करते हैं तो बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, यही है डेफिनेशन इसकी। तो वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग, यानी कि वेस्ट जनरेट किया जाता है कब? ड्यूरिंग डायग्नोसिस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। यानी कि जो कचरा है वो जनरेट हो रहा है कब? किसी भी टेस्ट के दौरान, ठीक है, किसी भी चीज का ट्रीटमेंट के दौरान, किसी भी रिसर्च के दौरान, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, और उन किसके लिए प्रोडक्ट को करते हैं अपन, रिसर्च किसके लिए कर रहे हैं उसमें अपन? ह्यूमन बॉडी और कोई भी एनिमल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है बायोमेडिकल वेस्ट एंड हॉस्पिटल वेस्ट इज काइंड ऑफ वेस्ट कंटेनिंग इन्फेक्शियस मटेरियल। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है वो पूरा का पूरा इन्फेक्शियस होता है, उसमें से भी उसका कुछ परसेंटेज ही क्या है वो इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है बायोमेडिकल वेस्ट है वो क्या है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूम। तो यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट का रूल कब आया था? 1998 के अंदर क्या है ये रूल आया था, और 2000 के अंदर क्या है ये लागू हुआ था। इसके बाद अपनी आती है कैटेगरी जो बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी कितनी है? बायोमेडिकल वेस्ट की 10 कैटेगरीज के अंदर अपन बायोमेडिकल वेस्ट को डिफाइन किया था। तो सबसे पहले क्या है, कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर क्या आता है अपना? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। कैटेगरी सेकेंड के अंदर क्या आता है? एनिमल वेस्ट। ठीक है, कैटेगरी थर्ड के अंदर क्या आता है? माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वेस्ट। कैटेगरी फोर के अंदर क्या आता है अपना? जो सात वेस्ट आता है वो आता है। कैटेगरी फाइव के अंदर क्या आता है? डिस्कार्डेड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है, कैटेगरी सिक्स के अंदर क्या आता है अपना? सॉलिड वेस्ट। कैटेगरी सेवन के अंदर क्या आता है अपना? दोबारा से सॉलिड वेस्ट। कैटेगरी एट के अंदर क्या आता है? लिक्विड वेस्ट। कैटेगरी नाइन के अंदर क्या आता है? इंसिनरेशन, ऐसे यानी कि जलाने के बाद जो कचरा बच गया वो। ठीक है, और कैटेगरी टेन के अंदर क्या आता है अपना? केमिकल वेस्ट।
ठीक है। इसके बाद आता है अपना वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी हैंडलिंग करते हैं, उसके बाद उसका इंटरनल स्टोरेज करते हैं, उसके बाद उसका सब डिस्पोजल करते हैं, और उसके बाद उसका फाइनल डिस्पोजल करते हैं। ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक है वो क्या है, उसका फाइनल डिस्पोजल है। इसके बाद है सेग्रीगेशन इन कलर कोडेड बैग। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, अपन कौन से बैग हैं जिनके अंदर अपन कचरा इकट्ठा करते हैं, तो अपने पास चार टाइप के बैग होते हैं, येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग, ब्लैक बैग, और येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग और ब्लैक बैग। ये चार टाइप के क्या है अपने पास बैग होते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है पर्सनल सेफ्टी प्रैक्टिस। इसका मींस क्या है कि अपन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो अपन अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए काम में लेते हैं, जैसे कि ग्लव्स है, गॉगल्स है, ठीक है, मास्क है, ये सारी सारी चीजें आती हैं इसमें। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज का मींस क्या है कि अपन ने जो अपना वेस्ट जो था उसका स्टोर कैसे रखते हैं उसको अपन। ठीक है, इसके बाद था ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मींस क्या है कि यानी कि जो अपन ने स्टोर किया, ठीक है, उसको अपन उस जगह से दूसरी जगह तक कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, और देन आफ्टर अपना क्या है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है अपना, इंसिनरेशन एंड नॉन इंसिनरेशन प्रोसेस। ये है अपना आज का टॉपिक, इंसिनरेशन एंड नॉन इंसिनरेशन प्रोसेस। तो एक बार अपन पीछे की स्लाइड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्या था अपना इंट्रोडक्शन था, मेडिकल केयर इज ए वाइटल इन ओवर लाइफ एंड हेल्थ, यानी कि मेडिकल केयर क्या है, वाइटल पार्ट है किसका, अपनी लाइफ का और अपनी हेल्थ का। नेक्स्ट पॉइंट अपना है बायोमेडिकल वेस्ट इमर्ज एन इश्यू ऑफ कंसर्न वर्ल्ड ओवर, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो इश्यू है वो क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड का ही इश्यू है, ना कि अपना कोई अकेले का इश्यू नहीं है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड का ही इश्यू है। क्यों है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, रियल प्रॉब्लम है किसके साथ, मैन एंड कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि ह्यूमन के साथ भी ये प्रॉब्लम है, कम्युनिटी के साथ भी प्रॉब्लम है, और इन्वायरमेंट के साथ भी, क्योंकि मैन, कम्युनिटी और इन्वायरमेंट ये क्या है, पूरी की पूरी एक चैन है। ठीक है, यानी कि मैन से कम्युनिटी में फैलेगा, कम्युनिटी से इन्वायरमेंट में फैलेगा, इन्वायरमेंट से कम्युनिटी में फैलेगा, कम्युनिटी से ह्यूमन बॉडी के अंदर फैलेगा, ये क्या है, पूरी की पूरी एक चैन है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, अगर अपन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो क्या होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, और देन आफ्टर क्या है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें अपना खर्चा भी कम से कम लगना चाहिए। व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, इसका मीन्स क्या है, वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, टीचिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च और प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन और एनिमल्स, यानी कि वेस्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, वेस्ट कब जनरेट हो रहा है, ड्यूरिंग डायग्नोसिस, यानी कि कोई भी डायग्नोसिस कर रहे हैं अपन, ठीक है, टेस्टिंग, कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रीटमेंट, यानी किसी भी चीज का अपन क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है उनका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उस दौरान किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं अपन, ह्यूमन और एनिमल्स के लिए अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। उस दौरान जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो सारा का सारा क्या होता है अपना, बायोमेडिकल वेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना बायोमेडिकल वेस्ट एंड हॉस्पिटल वेस्ट इज एनी काइंड ऑफ वेस्ट कंटेनिंग इंफेक्शियस मटेरियल। ठीक है, कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, किसी भी टाइप का वेस्ट हो, कहाँ से जनरेट हुआ हुआ, हॉस्पिटल से,
उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फेक्शियस मटेरियल होता है, ठीक है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड वेस्ट एसोसिएटेड विद द जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट दैट यूजुअली अपेयर टू बी ए मेडिकल और लेबोरेटरी ऑर्गन। इट मे ऑल्सो इंक्लूड, इसका मतलब क्या है, इट मे ऑल्सो इंक्लूड वेस्ट एसोसिएटेड विद द जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। यानी कि अपनी जो बायोमेडिकल वेस्ट की चैन है वो कहाँ से चालू हो रही है, अपन ने फर्स्ट में बात की थी कि कहाँ से चालू हो रही है अपनी, डायग्नोसिस टेस्टिंग ट्रीटमेंट, तो यानी कि कहाँ से, लेबोरेटरी मेडिकल्स इन सबसे ये क्या है, चैन बनी हुई है। बायोमेडिकल वेस्ट में भी सॉलिड और लिक्विड, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। नीड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, द हॉस्पिटल वेस्ट इज एडिशन टू बी रिस्क ऑफ पेशेंट एंड पर्सन हु हैंडल दिस वेस्ट प्रोसेस पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट। यानी कि जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो वेस्ट है वो किसको रिस्क पहुंचा रहा है, जो उसको कलेक्ट कर रहा है उसको रिस्क पहुंचा रहा है, ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट को, ठीक है, और उसके बाद अपने कम्युनिटी को। मैनेजमेंट इज ऑल्सो नीडेड ड्यू टू द रिस्क ऑफ एयर वाटर एंड सोयल पोल्यूशन। जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं करते तो क्या हो रहा था, अपना वाटर पोल्यूशन हो रहा था, एयर पोल्यूशन हो रहा था और सोयल प्रदूषण हो रहा था, ठीक है। रीजन क्या था, ड्यू टू इम्प्रॉपर इंसिनरेशन एंड एस, ठीक है, यानी कि जो अपन कचरे का निस्तारण कर रहे थे वो क्या था, प्रॉपर वे में नहीं था, इस वजह से क्या है, अपन कहीं पे भी जला देते थे, ठीक है, कहीं पे भी जलाएंगे तो क्या है, वो अपनी मिट्टी है वो दूषित हो गई, ठीक है, उसमें प्रदूषण हो गया, देन आफ्टर क्या होगा, जो उसकी धुआं जो निकला उसने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डाल दिया, ठीक है, और उससे रिलेटेड ये जो अपना एस थी उसको अपन ने क्या किया, पानी में डाल दी, तो क्या होगा, पानी का भी अपना जो वाटर पोल्यूशन भी हो जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब लगा था अपने इंडिया में, 1998 में लगा था, ठीक है, और लागू किया गया था 2000 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये था कि जितने भी हॉस्पिटल जो हैं, ठीक है, उनको क्या करना है कि जहां से पॉइंट ऑफ जनरेशन से लेके और जो उसका फाइनल ट्रीटमेंट है वहां तक की क्या है, उसको उनकी जिम्मेदारी रहती है। हेल्थ केयर वेस्ट क्या था, अपना नॉन रिस्क था 75 से 90%, 10 से 25% क्या था, रिस्क था। WHO को एस्टिमेट क्या है, 85% ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज नॉन हैजार्डियस, ठीक है, 10% इज इन्फेक्शियस, ठीक है, और 5% इज नॉन इन्फेक्शियस। ये जो एस्टिमेट है ये किसका है, WHO का एस्टिमेट है। इसके बाद अपनी आती है कैटेगरी जो बायोमेडिकल वेस्ट, कैटेगरीज की अगर अपन बात करते हैं तो 10 कैटेगरीज में अपन ने क्या किया था, बायोमेडिकल वेस्ट को डिफाइन किया था। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर क्या था, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कैटेगरी सेकंड के अंदर क्या था, एनिमल वेस्ट, कैटेगरी थर्ड के अंदर था माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, कैटेगरी फोर के अंदर था अपना शार्प वेस्ट, ठीक है, कैटेगरी फाइव के अंदर क्या था, डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइकोटॉक्सिक ड्रग्स, कैटेगरी सिक्स के अंदर अपना था मैटर सॉलिड वेस्ट, कैटेगरी सेवन के अंदर था अपना सॉलिड वेस्ट, कैटेगरी एट के अंदर था लिक्विड वेस्ट, कैटेगरी नाइन्थ के अंदर था अपना इंजिनरेशन एस, और कैटेगरी टेन के अंदर क्या था, केमिकल वेस्ट। ये अपनी क्या है, 10 कैटेगरीज बनाई थी। 10 कैटेगरीज को कैसे डिवाइड किया था कि कैटेगरी फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कैटेगरी सेकेंड के अंदर क्या आएगा, एनिमल वेस्ट, कैटेगरी थर्ड के अंदर क्या आएगा, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, कैटेगरी फोर के अंदर क्या आएगा, शार्प वेस्ट, कैटेगरी फाइव के अंदर क्या आएगा, साइकोटॉक्सिक ड्रग्स और डिस्कार्डेड मेडिसिन, कैटेगरी सिक्स के अंदर क्या आएगा, सॉलिड वेस्ट, कैटेगरी सेवन के अंदर क्या आएगा, सॉलिड वेस्ट, और कैटेगरी एट के अंदर क्या आएगा, लिक्विड वेस्ट, कैटेगरी नाइन्थ के अंदर क्या आएगा, इंसिनरेशन एस, और कैटेगरी टेन के अंदर क्या आएगा, केमिकल
केमिकल वेस्ट, ये क्या थी अपनी 10 कैटेगरीज थी। ठीक है, देन आफ्टर अगर अपन बात करते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या था अपना। वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की अगर अपन बात करते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में अपन क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सोर्टिंग, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगी, हैंडलिंग प्रोसीजर। देन आफ्टर अपने इंटरनल स्टोरेज होगा। देन आफ्टर सब डिस्पोजल होगा, और उसके बाद क्या होगा, फाइनल डिस्पोजल होगा। ये क्या है अपनी 5 पॉइंट है। सबसे पहला क्या है, सॉर्टिंग, सॉर्ट करना यानी उसको छांटना है, फिर उसको क्या करना है, हैंडल करना यानी उसको मैनेज करना है, उसके बाद उसको अपने घर में स्टोर करना यानी अपने हॉस्पिटल में उसको स्टोर कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद सब डिस्पोजल होता है, और उसके बाद उसका फाइनल डिस्पोजल होता है, ठीक है। ये क्या है, इसका प्रोसीजर है, यानी कि ये अपना वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान हो गया, ठीक है। इसके बाद अपना आएगा सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इन कलर कोड, ठीक है। तो अपने पास 4 टाइप के बैग हैं। सबसे पहले अपने पास है येलो बैग है, देन आफ्टर अपने पास रेड बैग है, देन आफ्टर अपने पास ब्लू बैग है और ब्लैक बैग है। येलो बैग जो है वो अपना किस टाइप का बैग है, प्लास्टिक का बैग है, ठीक है, पंचर प्रूफ बैग होता है। इसके अंदर अपन क्या डालते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट, बैंडेज, गोज पीस, कॉटन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अपन किस में डालते हैं, येलो बैग में डालते हैं। देन आफ्टर अपना बैग आता है रेड बैग। रेड बैग क्या होता है, प्लास्टिक बैग होता है, पंचर प्रूफ बैग होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन डालते हैं कैथेटर, ठीक है, सीरिंज, ट्यूबिंग, आईवी बॉटल्स, ये सारी अपन किस में डालते हैं, रेड बैग में डालते हैं। उसके बाद अपना पॉइंट आता है ब्लू बैग। ब्लू बैग के अंदर क्या, किस टाइप का बैग होता है अपना, प्लास्टिक का बैग होता है, ये भी पंचर प्रूफ बैग होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ग्लास बॉटल, ठीक है, ग्लास आर्टिकल्स, ये सारी की सारी चीजें अपन किस में डालते हैं, ब्लू बैग में डालते हैं। ब्लैक के अंदर क्या डालते हैं, नीडल्स डालते हैं विदाउट सिरिंज की, ठीक है, जो ब्लड से कंटामिनेटेड नहीं रहती, ठीक है, और मेटल के आर्टिकल्स डालते हैं। उसके बाद अपन कलर कोडिंग एंड टाइप ऑफ कंटेनर फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि अपने पास जो बैग है उनका क्या है, येलो कलर का बैग है वो किस टाइप का है, प्लास्टिक का बैग है। उसके अंदर अपनी जो कैटेगरी थी 10 कैटेगरीज की अगर अपन बात की थी तो उसके अंदर कैटेगरी फर्स्ट के अंदर अपना था ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, वो येलो बैग में आएगा, ठीक है। कैटेगरी सेकेंड थी अपनी एनिमल वेस्ट, वो किस में आएगी, अपना येलो बैग में आएगी। कैटेगरी थर्ड थी अपनी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, वो किस में आएगी, अपने येलो में आएगी। और अपना जो 6 नंबर की थी सॉलिड वेस्ट, उसका कुछ पार्ट जो है वो किस में आएगा, अपना येलो में आएगा। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका, इंसिनरेशन की प्रोसेस होती है। इंसिनरेशन और नॉन इंसिनरेशन की अगर हम बात करें तो इंसिनरेशन में क्या होता है, इंसिनरेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस बर्निंग प्रोसेस है। बर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या है, यहाँ पे अपन 400 डिग्री से 700 डिग्री टेम्परेचर पे अपन क्या करते हैं, कचरे का निस्तारण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डीप बरियल, का मतलब ये होता है कि उसको डीप बरियल का मतलब अपना होता है उसको गहरा गड्ढा खोद के उसको जलाना, ठीक है। रेड जो अपना कलर का बैग है उसके अंदर क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेड कंटेनर होता है, प्लास्टिक का बैग होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, अपनी कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी सिक्स और कैटेगरी सेवन के जो कंटेंट है वो इसके अंदर अपने आते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं अपन, ऑटोक्लेविंग की प्रोसेस, माइक्रोवेविंग की प्रोसेस और केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू क्या है, अपन इसको डिस्पोज करते हैं। उसके बाद अपना आता है ब्लू एंड व्हाइट बैग, ठीक है, पंचर प्रूफ बैग कंटेनर होते हैं। कैटेगरी फोर्थ एंड सेवन नंबर के जो अपनी कैटेगरी थी उनके अपन क्या करते हैं, इस ब्लू और व्हाइट बैग में अपन डालते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेविंग की प्रोसेस, माइक्रोवेविंग की प्रोसेस, केमिकल ट्रीटमेंट की प्रोसेस, ठीक है, इनके थ्रू क्या है अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है ब्लैक बैग। ब्लैक बैग किस टाइप का बैग होता है अपना, प्लास्टिक का बैग होता है। इसके अंदर अपनी कैटेगरी 5, 9 और 10, ये 3 कैटेगरी क्या है अपनी इसके अंदर आती हैं। और इसको अपन क्या करते हैं, डिस्पोजल करते हैं, किसमें, लैंडफिलिंग यानी कि गहरा गड्ढा खोद के जला देते हैं। देन आफ्टर अपना जो लिक्विड जो है, ठीक है,
लिक्विड जो अपना बायोमेडिकल वेस्ट था वो क्या होता है, अपना जो हॉस्पिटल की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर क्या है, वो डायरेक्टली ड्रेनेज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर लेबलिंग ऑफ बीन्स, जो अपने डस्टबिन्स हैं उनके ऊपर क्या, ऊपर क्या करना है अपने को, बायोहजार्ड सैंपल्स जो है अपने, वो क्या है अपने को प्लेस करके रखना है। बायोहजार्ड सैंपल अपने किस टाइप के होने चाहिए, नॉन वॉशेबल होने चाहिए, ठीक है, और प्रोमिनेंटली विजिबल यानी कि इजीली वो अपने को दिखने दिख जाए, ठीक है, और वॉश करने पे वो धुले नहीं। जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर बायोहजार्ड सैंपल लगा हुआ कोई भी कंटेनर कहीं पे भी है तो उसको क्या है कि पब्लिक हेल्थ, पब्लिक और पेशेंट दोनों के लिए क्या है, पता रहता है, सभी को पता रहेगा कि इसके साथ अपने को छेड़खानी नहीं करनी है। ये कुछ अपने क्या है, बायोहजार्ड सैंपल्स हैं। ये अपनी क्या है, पर्सनल सेफ्टी डिवाइसेज हैं, मास्क हो गया, गॉगल्स हो गए, ठीक है, ग्लव्स हो गए, पीपी किट हो गया, यानी कि हेड टू टोए, ठीक है, हेड टू टोए में क्या क्या चीज आती है, सबसे पहले बात करते हैं हेड की। हेड की अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा अपना, सबसे पहले कैप, ठीक है, देन आफ्टर मास्क, वो अपना गॉगल्स मास्क, ठीक है, उसके बाद अपनी ग्लव्स, ठीक है, शूज कवर, ठीक है, गाउन, ये सारी की सारी चीजें क्या है अपनी पर्सनल सेफ्टी डिवाइसेज हैं। स्टोरेज, स्टोरेज जहाँ पे करते हो, स्टोरेज आपका 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आप स्टोरेज करते हो वो क्या है, वहाँ पे अथोराइज पर्सन ही जाना चाहिए, इसके अलावा कोई भी पर्सन वहाँ पे नहीं जाए। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है, वेस्ट को स्टोर करना है कि वहाँ पे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को कोई भी एडवर्स इफेक्ट इफेक्ट नहीं आए उस चीज़ का। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है अपने को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो सबसे पहले अपने को क्या है, ट्रॉली वगैरह होनी चाहिए, जिससे क्या है अपने पास जो भी हॉस्पिटल के अंदर वेस्ट था उसको अपन एक प्रॉपर प्लेस में अपन क्या करें, उसको कलेक्ट कर लें, देन आफ्टर क्या करेंगे उसको अपन फाइनल डिस्पोजल के लिए क्या अपने को दूसरी जगह पर लेके जाना पड़ेगा। तो जो अपना जो व्हीकल है वो क्या होना चाहिए, फुली कवर्ड व्हीकल होना चाहिए, उस पर बायोहजार्ड सैंपल लगे होने चाहिए, ठीक है, पब्लिक प्लेस से अगर आप गुजर रहे हो तो आपको जो व्हीकल है उनसे डिस्टेंस बना के रखनी है, ठीक है, जो आपका व्हीकल है वो क्या होना चाहिए, उसकी बॉडी जो है वो स्टीलनेस स्टील की बनी हुई होनी चाहिए, जिससे क्या ही रहेगा आपको जब भी आप उसमें से वेस्ट मटेरियल उतारते हो, ठीक है, डालते हो, तो जो आपके जो बैग्स हैं, ठीक है, वो टीयर आउट नहीं होंगे, जो आप सैंपल लेके, जो आप कचरा लेके जाते हो, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट लेके जाते हो, उस बायोमेडिकल वेस्ट पे सैंपल लगे होने चाहिए, ठीक है, हॉस्पिटल का नाम लिखा होना चाहिए कि आपने कौन से हॉस्पिटल से लेके जा रहे हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या है आपके पास रिकॉर्ड में मेंटेन होनी चाहिए। और जब भी आप जो लेके जाते हो उसको निस्तार, उसको खाली करने के बाद, जैसे आपने व्हीकल में लोड किया, अनलोड करने के बाद क्या है आपकी जो जो व्हीकल है उसको क्या है आपको क्लीन कर लेना चाहिए। आज का जो अपना टॉपिक था वो क्या था, वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इंसिनरेशन एंड नॉन इंसिनरेशन प्रोसेस। इंसिनरेशन का मतलब क्या है अपने को, बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो अपना वेस्ट मटेरियल जो था, ठीक है, उसको क्या करना है अपने को जलाना है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और जलाने पे क्या करना है, जो वॉल्यूम है उसको क्या करना है, उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, और जो हार्मफुल जो कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट जो है
वो क्या रहेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, ये मशीन किस टेम्परेचर पे काम करती है, इसको मशीन को काम में लेने के लिए अपने को टेम्परेचर रखना पड़ता है, हाई टेम्परेचर होता है 400 to 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, तब क्या है अपन इंसिनरेशन की प्रोसेस से काम कर सकते हैं। नॉन इंसिनरेशन प्रोसेस की अगर अपन बात करते हैं तो नॉन इंसिनरेशन प्रोसेस में क्या होता है, थर्मल प्रोसेस होती है। थर्मल प्रोसेस क्या होती है, थर्मल प्रोसेस के अंदर क्या है, दो चीजें होंगी, एक लो हीट होगी, एक मीडियम हीट होगी, एक हाई हीट होगी। ठीक है, ये अपने पास क्या है, तीन कंडीशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, लो हीट थर्मल प्रोसेस के अंदर क्या है, आपको टेम्परेचर है वो कितना रखना होता है, 93 डिग्री सेल्सियस से 177 डिग्री सेल्सियस तक क्या है आपका ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, आपके पास ऑटोक्लेव हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, ड्राई हीट के, ये सारी की सारी किस में आएंगे, आपकी लो थर्मल हीट प्रोसेस के अंदर आती है। लो थर्मल हीट प्रोसेस के अंदर अगर आप काम करते हो तो उस टाइम पे क्या रहेगा, आपका टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा 93 डिग्री सेल्सियस से 177 डिग्री सेल्सियस तक आपको क्या है टेम्परेचर रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मीडियम हीट। मीडियम हीट के अंदर क्या है, ये भी थर्मल प्रोसेस है, इस दौरान आपको जो टेम्परेचर है वो कितना रखना होगा, आपको 177 डिग्री से आपका टेम्परेचर रहेगा 370 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसके अंदर क्या है, केमिकल ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, किसका, ऑर्गेनिक मटेरियल जो थे उनका क्या होगा, केमिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर क्या है आपका, हाई हीट थर्मल प्रोसेस। हाई हीट थर्मल प्रोसेस के अंदर क्या है, आपको 540 डिग्री सेल्सियस से 8,300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का आपको क्या है टेम्परेचर रखना होता है। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, रिवर्स पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये जो अपना हाई टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर थर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर अपना रहेगा 540 डिग्री से 803 डिग्री तक रहेगा। ठीक है, 8,300 डिग्री तक अपना टेम्परेचर रहेगा, ये इस दौरान क्या होता है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, माइक्रोवेव और विद्युत प्रतिरोध के कारण से क्या है, जो गैसेज है, प्लाज्मा है, उनको यूज में लेते हुए अपन क्या करेंगे, जो अपने पास जो भी वेस्ट था उसको क्या करेंगे, अपन लिक्विड फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में उसको बना के अपन क्या करेंगे, उसकी वॉल्यूम को अपन क्या करेंगे, कम कर लेंगे। ठीक है, देन आफ्टर अपना आता केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में क्या है, कौन सी चीज लेते हैं अपन, क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन ऑक्सीडेज हो गया, बीच सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया। ठीक है, ड्राई इनऑर्गेनिक केमिकल में क्या आता है अपना, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीडेट है, ये क्या है अपने केमिकल है। इनके दौरान क्या है, अपन जो भी अपना वेस्ट है उसको क्या है अपन दोबारा से यूज में लेने के लिए डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इरिडेटिव प्रोसेस। इरिडेटिव प्रोसेस में क्या है, इरिडेटिव प्रोसेस का मींस ये होता है, अपने क्या कर रहा है, रेडिएशन यूज में लेके क्या करना है, अपने को रेडिएशन को यूज में लेके अपने को क्या करना है, वहां पे जो भी अपना वेस्ट है उसको मैनेज करना है, यानी कि उसको डिसइंफेक्टेड करना है। तो इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, कोबाल्ट 60 और अल्ट्रावायलेट इरिडेशन, ये क्या है अपन काम में लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये अपना जो था बायोमेडिकल वेस्ट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। सभी अपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना, जब भी आपकी क्लासेज होंगी उस टाइम पे आपका नोट्स चेक किए जाएंगे। और जो बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो अपनी पार्ट लाइफ का भी एक ऐसा टॉपिक है जो अपने हर जगह काम आएगा। और अपने अगर अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं तो अपने इसमें से क्वेश्चन लगभग इसमें से क्वेश्चन अपने आते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, और एक चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो
तो आपके पास जो डेली जो वीडियोज अपलोड हो रहे हैं उनकी सूचना आपके पास प्रॉपर वे में नहीं पहुंचेगी। थैंक यू।